नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, सानवी स्ट्रीट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। सर, अभी हम 3 BHK का फ्लैट देखेंगे जो 100 गज में बना हुआ है। और इस फ्लैट की जो सबसे अच्छी बात है, ये फ्लैट काफ़ी ओपन आपको दिखेगा, काफ़ी वेंटिलेटेड फ्लैट है ये। और इसमें हम लोग तीनों बेडरूम में वार्डरोब दे रहे हैं और 4 TV पैनल दिए गए हैं। ड्राइंग रूम में 1 TV पैनल आपको मिलता है और तीनों बेडरूम में भी 3 और TV पैनल दिए गए हैं। 4 TV पैनल 3 वार्डरोब के साथ ये फ्लैट आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिल्डिंग की जो सराउंडिंग्स है वो, और फिर आएंगे हम अपने फ्लैट के अंदर। हम आ चुके हैं लिफ्ट से अपने फ्लैट की तरफ। पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये फ्लैट जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, ये हमारा फ्लैट है। एक फ्लोर पे 3 फ्लैट बनाए गए हैं, 1 2 BHK है और 2 इसमें 3 BHK हैं। जैसे ही हम फ्लैट में एंट्री लेते हैं, इसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट फेसिंग की है और घर से जब बाहर आप निकलेंगे तो वो ईस्ट फेसिंग होगा। जैसा आप देख पा रहे होंगे, अभी हम लोग ड्राइंग रूम में खड़े हैं। और एक चीज़ और भी बता दूं फ्रेंड्स, हम लोग वाइड जो लेंस कैमरा है वो यूज़ नहीं करते हैं। जो भी चीज़ आपको दिखेगी वो एक्चुअल दिखेगी। मैं एक और ओवरव्यू देता हूँ। अभी ड्राइंग रूम में हम खड़े हैं, इस तरफ हमारा एक बेडरूम मिलता है, इसके साथ अटैच वॉशरूम दिए गए हैं। यहाँ हमारा साइड में बड़ा सा आपको एक किचन मिलता है, एक बेडरूम आपको यहाँ मिल जाता है और यहाँ हमने कॉमन वॉशरूम दिया है। ये आप इस रूम के साथ, जो हमारा थर्ड बेडरूम है, इसके साथ आप अटैच भी यूज़ कर सकते हैं और कॉमन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे दिया हूँ, अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ इसका। अभी हम अपने ड्राइंग रूम में खड़े हैं, काफ़ी स्पेसियस। अगर मैं आशीष को बोलूँ थोड़ा पीछे करके दिखाएं, ये पूरा आपको ड्राइंग रूम मिलता है। अगर आप सोफा का प्लेसमेंट चाहें तो L-टाइप में आप रख सकते हैं और काफ़ी बड़ा सोफा लग जाएगा। इनफैक्ट 7 to 8 सीटर आप बहुत आराम से बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि आप इधर अगर 4 सीटर बनाते हैं, इधर भी 4 बनाते हैं और 2 यहाँ पफी आ जाएगा, तो तकरीबन 10 लोग के बैठने की जगह बहुत आराम से इसमें निकल सकती है। यहाँ एक डिसेंट सा हमने वॉलपेपर दिया है और बहुत ही बेहतरीन लुक के साथ ड्राइंग रूम में ये TV पैनल बनाया गया है। और अगर मैं वॉलपेपर हमने दिखा दिया, अगर मैं दिखाऊं ऊपर फॉल सीलिंग की डिज़ाइन, तो जो इसमें जो भी चीज़ आप देखेंगे उसकी जो लुक है वो बहुत डिसेंट रखी गई है। इस तरह का आपको फॉल सीलिंग की डिज़ाइन मिलती है। बट अगर आपको कॉब लाइट्स इसमें चाहिए, ब्लू या जो भी कलर आप पसंद है आपको, वो हम लगवा देंगे। यहाँ आपको स्प्लिट AC का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आ जाइए आशीष साहब, जो फर्स्ट बेडरूम या मास्टर बेडरूम कह सकते हैं, बिकॉज इसके साथ अटैच वॉशरूम है। और ये भी चीज़ मैंने आपको बताया था कि तीनों बेडरूम में आपको वार्डरोब मिलते हैं। तो पहले मैं दिखाता हूँ, ये पूरा हमारा जो बेडरूम है वो मिलता है। TV पैनल आपको यहाँ मिल जाता है। एक बार आशीष अंदर आ जाए, आप यहाँ पे आके एक बार दिखाएं ये TV पैनल। ये आपको TV पैनल मिलता है। नीचे आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं, यहाँ आपको ड्रॉर्स मिल रहे हैं, ये सारे ड्रॉर्स हैं, आप अपने हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसी जो माइका का कलर है, सेम कलर आपको जो वार्डरोब हमने यहाँ पे दिया है उसमें यूज़ किया गया है। यहाँ आपको बड़ा सा वार्डरोब मिलता है, ये सारा स्पेस आपको मिल रहा है। इनफैक्ट इसमें ड्रॉअर भी दिए गए हैं और नीचे भी आपको ये स्पेस मिल जा रहा है और सेम स्पेस आपको यहाँ भी मिलता है। इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो दी गई है और यहाँ आपका विंडो AC आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो शाफ्ट का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा छोड़ा गया है। और एक बार वॉशरूम आप दिखाएं, इसी के साथ जो हमने अटैच वॉशरूम दिया है,
इसमें जो फ्लोरिंग यूज की गई है वो एंटी स्किड की टाइल्स लगाई गई है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं वो हाइलाइटर हमने बीच में यूज किया है। ये भी इसका भी अच्छा खासा स्पेस है बाथरूम का। यहाँ आपको वॉश बेसिन मिल जाते हैं, गीजर के लिए यहाँ आपको पॉइंट मिल जाता है, यहाँ सीट लगाए गए हैं और इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ स्पेस दिया गया है। बाथिंग स्पेस आपको यहाँ मिलता है, शावर, और यहाँ टैप्स लगाए गए हैं। यहाँ डाइवर्टर लगना है जिससे लेफ्ट और राइट करने पे हॉट एंड कोल्ड वाटर आपका आएगा। यहाँ से हम आपको लिए चलेंगे जो हमारा फेवरेट स्पेस है कुकिंग के लिए, किचन। किचन दिखाने से पहले मैं दिखाऊं, ये जो बॉक्सेस बताए गए हैं किचन के ठीक बाहर, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप इसको सजा सकते हैं। क्रॉकरी आइटम रख के इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा और खूबसूरत दिखेगा ये किचन। काफ़ी स्पेसियस, आप देखिए आशीष आप किचन दिखाएं, जगह आपको बिल्कुल नहीं खलने वाली। इसमें अगर आठ आठ दस लोग भी खड़े होते हैं तब भी आपको स्पेस की भी कमी बिल्कुल नहीं खलेगी। इनफैक्ट आप चाहें तो इसका भी यूज आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ये जो वॉशरूम है ये भी काफी स्पेसियस है, आप इस बेडरूम के साथ भी यूज कर सकते हैं और एज अ कॉमन वॉशरूम भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें एंटी स्किड टाइल्स यूज की गई है और देखिए कितना बड़ा बाथरूम। तो आप पीछे करके दिखाएं आशीष नीचे से। वेंटिलेशन के लिए ये स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आपको सीट मिलता है, और जो बाथिंग के लिए स्पेस निकाला गया है, एक बार यहाँ आ जाए, यहाँ गीजर के पॉइंट्स मिल जाते हैं, यहाँ हमने शावर लगाए हैं, और अगर यहाँ एक स्पेस छोड़ा गया आप चाहें तो यहाँ वॉश बेसिन भी लग जाएगा। यहाँ से चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम में। इसकी जो फ्लोरिंग है वो वेटिफाइड टाइल्स की गई है, और इसका जो लुक है वो आपका ड्राइंग रूम से हटकर दिया गया है। आप देखें एक अलग लुक में वेट्रीफाइड टाइल्स इसमें आपको मिलती है, काफी बड़ा दिख रहा होगा और इनफैक्ट इतना ही बड़ा है। वेंटिलेशन के लिए आप देखिए कितना बड़ा यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया है, आप विंडो एसी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो वॉलपेपर है वो डिसेंट आपको यहाँ मिलता है और ऊपर इस तरह के आपको डिजाइन मिल जाते हैं। अगर वार्डरोब की बात करूं तो पीछे से दिखाएं आशीष, ये हमने वार्डरोब इसमें दिया है, ये पूरा स्पेस आपको मिलता है और यहां आपको सेल्फ भी मिल जाते हैं। और साथ में अगर इस तरफ आपका बेड होगा तो यहां आपको टीवी पैनल मिल जाता है और नीचे ड्रॉर्स दिए गए हैं। जो आपका फ्रिज का स्पेस होगा, थोड़ा पीछे जाके इधर जाएं आशीष, इधर से दिखाएं, आप फ्रिज आप यहाँ भी रख सकते हैं और फ्रिज आप यहाँ भी रख सकते हैं। ये पूरा स्पेस आपको, एक बार राउंड करके दिखाएं आशीष, ये पूरा आपको स्पेस मिल जा रहा है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम में, आइए। ये हमारा थर्ड बेडरूम है, ये भी काफ़ी ओपन है और काफ़ी वेंटिलेटेड है। ये बड़ा सा एक बेडरूम अगेन आपको मिलता है, दोनों तरफ हमने अलमीरा दे दिए हैं, बीच में स्पेस छोड़ा गया है आपके बेड के लिए और ऊपर इस तरह की हमने डिजाइन दी है। यहां आपको विंडो मिल जाता है, ऊपर आप विंडो एसी लगा सकते हैं, और इसमें जो हमने टीवी पैनल दिया है वो इस तरह का आपको बड़ा सा टीवी पैनल मिल जाता है। इसमें भी स्टोरेज की जगह दी गई है, यहाँ आपको स्पेस मिल रहा है, और इसी के साथ आपको बैल्कनी मिलती है। ये हमारा बैल्कनी है, ये पूरा स्पेस आपको बैल्कनी के लिए मिल जाता है, और आप चाहें तो इधर अपना जो वेट एरिया है वो बना सकते हैं, वॉशिंग मशीन आप उधर रख सकते हैं। ओवरऑल फ्रेंड्स मैं इस फ्लैट की बात करूं तो ये
3 BHK का जो 100 गज का फ्लैट है, इसकी जो लोकेशन है वो मोहन गार्डन है और मेट्रो स्टेशन तकरीबन यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पे मिलता है और जो मेट्रो लाइन है वो ठीक घर के बाहर निकलते ही सामने आपको मेट्रो लाइन दिखी जाएगी जो 100 मीटर के आसपास है। तो एक बेहतरीन फ्लैट बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ आपको मिलती है, लोन वाले फ्लैट है, आप इसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं और 80 से 85% तक आपको इसमें लोन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आइए, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो आपको फ्लैट दिखाएंगे और नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप विजिट के लिए आप अपना टाइम दे सकते हैं। या कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो हमारी वेबसाइट है sanvistate.com आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दीजिए मुझे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ एक बात और, इसका जो हमने प्राइस रखा है वो 46 लाख रुपीज़ रखा है, इसकी जो कीमत आपको पड़ेगी वो 46 लाख रुपया इसका कीमत हम लोग ने रखा है। तो दीजिए मुझे इजाज़त, रहिए आप लोग बहुत बहुत खुश और रखिए अपना बहुत बहुत ध्यान। थैंक यू।